ये मतलब अजीब वाली बात है। अंडाशय होती क्या है, तो अंडाशय के बारे में आप याद रखना, ये मादा जनन ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? ये मादा जनन ग्रंथि है। तो सबसे पहले आपको याद रखना अंडाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, तो ये मादा जनन ग्रंथि है। अंडाशय होती क्या है दोस्तों, जो बालिकाएँ होती है, जो लड़कियाँ होती है, या बालिकाओं में जो किशोर अवस्था आ जाती है, बालिकाओं में किशोर अवस्था के समय ये क्या होता है, अंडाशयों का विकास होता है। बालिकाओं में जब किशोर अवस्था आती है उसमें क्या होता है, बालिकाओं में अंडाशय क्या होता है, विकास होता है। और अंडाशय के विकास में होता क्या है, अंडाशय के विकास में होता क्या है कि इसमें आपको देखना कि अंडाशय के विकास में होता क्या है कि इसके विकास से इनसे भी हार्मोन निकलता है। पीछे मैंने बताया ना कि टेस्टोस्टेरोन से भी हार्मोन निकलता है, इनसे भी हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इनसे आपको याद रखना, इनसे दो हार्मोन निकलता है। एक हार्मोन हो जाएगा एस्ट्रोजन, एक तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, एक हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इसके मतलब इसे कौन सा दो हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन के बारे में आप याद रखना, एक तो हो जाएगा एस्ट्रोजन, कौन सा हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन है, ये दोनों के दोनों हार्मोन अंडाशय से स्रावित होते हैं। ये दोनों के दोनों हार्मोन है, ये मादा हार्मोन है, ये मादा ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। सबसे पहले देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, किस हार्मोन के बारे में बात करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन दोस्तों जो स्त्रियों में जो द्वितीयक जो लैंगिक विकास होता है, स्त्रियों में जैसे अंडवाणुओं का जो निर्माण होता है या अंडवाहिनियों का जो निर्माण होता है, या स्त्रियों में जो जो गर्भाशय का जो निर्माण होता है, या जो स्त्रियों में जो भग शीर्षन का या क्लाइटोरिस का जो निर्माण होता है, या स्त्रियों में मैथुन इच्छा की जो जागृति होती है, स्त्रियों में जो मासिक धर्म जो रजोधर्म वाला जैसे MC कहते हैं, तो ये सभी की सभी जो क्रियाएँ होती हैं वो किस पर डिपेंड करती है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन डिपेंड करती है, इसके ये लक्षण है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी क्रियाओं पर ये कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन सबसे पहले ये करता क्या है, सबसे पहले अगर अपन बात करें कि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये क्या करता है, उनके स्तनों को विकास करता है। नितम जिसे अपन क्या कहते हैं, नितम कहते हैं, स्तनों के विकास में बालिकाओं में कौन सा हार्मोन स्थापित होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। इसके अलावा बालिकाओं में जो मैथुन इच्छा की जो जागृति होती है, मिथुन इच्छा की जागृति में या महिलाओं में मिथुन इच्छा की जागृति में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, यह एस्ट्रोजन हार्मोन सहायक होता है। फिर अपन कहते हैं ना कि मासिक धर्म, कि अपन कहते हैं मासिक धर्म कहते हैं, या अपन क्या कहते हैं रजोधर्म कहते हैं, क्या कहते हैं रजोधर्म कहते हैं, या अपन क्या कहते हैं MC कहते हैं, जो पीरियड वाला जो सिस्टम है, और पीरियड वाले सिस्टम में भी कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो पीरियड वाले सिस्टम में भी दोस्तों याद रखना ये हार्मोन साइक होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके अलावा मैंने लक्षणों के बारे में और बताया ना, जैसे पुरुषों में बताया कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, बालों का अधिक आना, तो स्त्रियों में क्या होता है, जैसे मैं स्त्रियों में के बारे में अगर बात करूं, स्त्री में होता क्या, जैसे मैं बारों करूं कि स्त्रियों की आवाज, स्त्रियों की जो आवाज है, आवाज का पतला होना, स्त्रियों की आवाज़ का पतला होना, स्त्रियों के शरीर पर बालों का कम होना, ठीक है, नितंब भारी होना, मैथुन इच्छा की जागृति होना, मासिक धर्म में जो क्रिया है, ये सभी के सभी क्रियाओं को पर नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। और यहाँ से हर बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने नाम सुना होगा गर्भ निरोधक गोलियां, जो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है ना वो किन से बनाई जाती है, तो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो आपको याद रखना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से बनाई जाती है। किससे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया, अब अपन बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन के बारे में, और प्रोजेस्टेरोन के बारे में आप देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब स्थापित होता है, जब क्या होता है कि जब स्त्री क्या होती है गर्भवती होती है, स्त्री क्या होती है गर्भवती होती है, और उसमें जब स्त्री जो गर्भ धारण करती है, जब गर्भावस्था के समय एक हार्मोन स्रावित होता है, और उस हार्मोन को अपन कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना। और इसीलिए इस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, गर्भाधारण निर्धारण वाला हार्मोन किसे कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये गर्भाशय स्त्री गर्भवती होती है, ये हार्मोन स्रावित होता है। और यह अपना दोस्तों जो जनन ग्रंथियों वाला मैंने जो पूरा का पूरा मैंने चैप्टर बता दिया है, और इससे संबंधित जो भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपन लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और जय हिंद जय भारत।